डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, देखिए, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना। इसमें देखिए, जब r का मान एक से बड़ा होगा, यानी कि सार अनुपात किसी गुणोत्तर श्रेणी में एक से बड़ा होगा, तो उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और यदि r का मान एक से छोटा होगा तो Sn बराबर होगा a इंटू आर की पावर n माइनस अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, यदि r का मान एक से बड़ा है तो r पहले आएगा, एक घटेगा। यदि r का मान एक से छोटा है तो वन में से आर घटाएंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी के तभी ज्ञात कर सकते हैं जब सार अनुपात आर का मान एक से छोटा होगा। इसे हम बोलते हैं एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन, फॉर्मूला है इसका ए अपॉन वन माइनस आर। अब इन तीनों सूत्रों पर हम तीन एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन इस टाइप से के आएंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल नंबर एक, मान लीजिए एक गुणोत्तर श्रेणी है हमारी, मान लीजिए वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस एन सो ऑन के हमें दस पदों का योगफल ज्ञात करना है। पदों का 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां पर हम पहले लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सोल्व करेंगे इसको। तो प्रथम पद कितना हो गया, यहां पे a बराबर है 1। सार अनुपात r बराबर कोई पद और अपॉन पूर्व पद, तो दो को एक से भाग करेंगे तो दो ही आएगा। अब दो जो है वो बड़ा है किससे, एक से, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। के लिखेंगे श्रेणी के 10 पदों का योगफल, एस 10 10 पदों का निकालते हैं, एस 10 इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 10, क्योंकि r का मान दो एक से बड़ा है, दो है, तो इसलिए r पहले आएगा, r में से एक को घटाएंगे अपॉन r में से। a की वैल्यू है यहां पर एक, तो एक इंटू r की वैल्यू कितनी है, दो है, तो दो की घात 10 माइनस एक अपॉन दो माइनस एक, दो में से एक घटाएंगे एक, और एक से भाग करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम रहेगा एज इट इज, एक से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा नंबर, 2 की पावर 10 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, तो सेकंड क्वेश्चन पे बेस है। मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस एन सो ऑन, और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। मान लीजिए हमें भी इसके 10 पदों का ही योगफल ज्ञात करना है, योगफल बराबर यह हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सोल्व करेंगे तो प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद a बराबर है 1, और सार अनुपात जो r का मान होगा कोई पद अपॉन उससे कोई पद। ठीक है, तो कोई पद मान लीजिए यहां पर हम ले रहे हैं 1/2, उसे डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1/2 ही रहेगी। ठीक है, और 1/2 का जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, 1 से, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर
इस गुणोत्तर श्रेणी में हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है और इसमें सार अनुपात आर का मान 1 से छोटा है। देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योगफल यानी कि एस 10 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की घात 10 अपॉन 1 माइनस आर। सोल्व करेंगे ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/2, 1/2 की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/2। सोल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा नंबर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 अपॉन 2 1 जब 2 और माइनस 1 यानी कि 1/2, 1 में से 1/2 लेस करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 है 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा और 1 को हटा देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है यहाँ हो जाएंगे 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 9, दैट्स आंसर, ठीक है ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों से रिलेटेड होगा। एग्जांपल नंबर 3 मान लीजिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ये लिखेंगे हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी सपोज करो ये है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस एंड सो, ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इसका योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है जब इसको हल करेंगे क्या ज्ञात करना है, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है, योगफल क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो हल करेंगे तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना है 1 है, सार अनुपात r इक्वल कोई पद अपॉन उससे पूर्व पद, 1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, या 1/9 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तब भी 1/3 आएगा, ठीक है यहां से जो r की वैल्यू आई है वो 1 से कम है, 1 से छोटी है, तो इसलिए इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, और s इनफाइनाइट इक्वल टू अनंत पदों का योगफल a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस आर और r की वैल्यू 1/3, तो 1 अपॉन इसको सोल्व करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 1 तो 2 अपॉन 3, 2 कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये जाएगा 3 अपॉन 2, ये इसका आंसर, ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये एनसीईआरटी बेस है, ये क्वेश्चन करने हैं पेज नंबर 310 पर है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पीछे आ जाइए जहाँ पर आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज है इसमें 9.7, अब 9.7 एक्सरसाइज में आप देखिए ये 9.7 में जो हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर कराया क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है यहाँ तक इस श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसमें 12 पदों का, इस गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का और ये गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का योगफल में ज्ञात करना है, तो इसमें पद नहीं दिए कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है परंतु इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, श्रेणी दी है इसमें ये गुणोत्तर श्रेणी है 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस एनसो ऑन प्लस
4374। देखिए इसमें प्रथम पद है दो, सार अनुपात आर का मान है 3, यानी कि 6/2, 6 को 2 से भाग करेंगे इतना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहां पर अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद क्या होता है एल, ठीक है। अब अंतिम पद बराबर कितना है 4374, और हमने मान लिया, माना इस श्रेणी में पदों की संख्या n है, कितनी है पदों की संख्या n है, तो n वा पद ही अंतिम पद होगा, इसलिए n वा पद ही क्या होगा अंतिम पद होगा, माना n वा पद बराबर 4374, n वा पद होगा a r की पावर n माइनस 1 बराबर 4374, और a की वैल्यू है इसमें 2 इंटू आर की वैल्यू है 3 की घात n माइनस 1 बराबर 4374, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 4 एकम 2 8 16 और 2 से 4, तो 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये आ गई 2187, और 2187 के जब आप फैक्टर करोगे 3 के उसमें, यानी कि इस टाइप से आप फैक्टर कर देना 2187 के 3 से डिवाइड होगा ये, ठीक है, ये होगा 729 बार, फिर 3 से 3 243 बार, फिर 3 से 81 होगा, फिर 81 3 से डिवाइड होगा 27 बार, 27 3 से डिवाइड होगा 9 बार, 9 3 से डिवाइड होगा 3 बार, 3 3 से 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पावर आ गई 3 की, 3 जो है 7 बार मल्टीप्लाई में 3 की पावर 7, घातों की तुलना करेंगे तो यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और n बराबर 1 जोड़ देंगे 7 जमा 1, यानी कि n बराबर, ठीक है। तो इस श्रेणी में यानी कि सभी पद 8 है, और हमें 8वां पद ज्ञात करना है, कितना पद ज्ञात करना है 8वां पद, इसलिए 8 पदों का योगफल, श्रेणी के 8 पदों का योगफल एस एट इक्वल टू, क्योंकि इसमें r का मान 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला आएंगे 1 a इंटू आर की पावर 8 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 3 की घात 8 हो जाएगी, r की वैल्यू 3 है तो 3 की घात 8 माइनस 1 और बटे 3 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 की घात 8 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 8 माइनस 1 इसका आंसर। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 2 में श्रेणी का n-वां पद दिया हुआ है, यहां पर n के स्थान पर 1 रखेंगे तो t1 पहला पद आ जाएगा, फिर n के स्थान पर 2 रखोगे तो t2 दूसरा पद आ जाएगा, श्रेणी आ जाएगी, श्रेणी बन जाएगी इस टाइप से 1 2 3 4 रखकर, और फिर इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिस टाइप से एग्जाम्पल हमने समझाए थे अभी तुम्हें फोर्नो बताए थे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि ये सभी क्वेश्चन जो 9th में आगे भी दिए हुए हैं यहाँ पेज पर, पेज नंबर है 284, यहाँ देखिए ध्यान से इस टाइप से दिए हुए हैं ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अनंत पदों के योगफल से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी रहेगा एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, तो इसमें ए की वैल्यू प्रथम पद और आर यहाँ सारणपात है, सारणपात आर का मान कोई पद अपॉन पूर्व पद रख के फाइंड कर लोगे, और इन सब की वैल्यू, ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 11 के बी तक करने हैं, 11 तक करने हैं, 12 क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन करना है और ये 9 से 12 तक 11 तक क्वेश्चन करना है, ठीक है।